किसी भी वेबसाइट को हम लोग विद इन वन मंथ कैसे आउट रैंक कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। किसी भी वेबसाइट को आउट रैंक कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस रहेगा, समझिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हेल्पिंग बॉय को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इंक्रीज DAP वेबसाइट का कैसे करना है, पोस्टर मेकिंग, वेब स्टोरी, एडसेंस, डेली $50 कैसे अर्न करना है, पूरा वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। कीवर्ड रिसर्च, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखना ना भूले, क्योंकि आपके लिए जो फायदेमंद होगा। हम लोग सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग के सामने एक कीवर्ड है, कीवर्ड का नाम है स्कूल एक्सरसाइज शूज फॉर 18 ईयर ओल्ड बॉय। ओके, एक कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल के कीवर्ड क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है तो ऑब्वियसली चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हमेशा टारगेट करेगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। और इसको छोड़ते हुए साइड में और एक कीवर्ड इधर आता है जो मैंने सर्च करके रखा था, पिगी बैंक अंडर 50 रुपीस। ठीक है, ये दोनों कीवर्ड आ चुका है। अभी से जो मेन चैप्टर, मेन लर्निंग शुरू होता है, इसको समझिए, धीरे धीरे सीखिए। ठीक है, लाइक बाइक कर देना है, और अभी से जो सिर्फ वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले जो आउटरैंक करने का प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है। आउटरैंक किस किस ब्लॉक को कर सकते हैं हम लोग जान लेते हैं। अगर सर्च रिजल्ट में किसी भी ई-कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट आ जाता है, मतलब इंडिया मार्ट, ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा लाइक वेबसाइट आ जाता है, तो बहुत ही सिंपल होता है आउट रैंक करना। क्यों, इसका कारण मैं बताऊँ। सबसे पहले कारण आता है, गूगल जो है चाहता है उसका सर्च रिजल्ट में टॉप पेज पे वैरायटी ऑफ वेबसाइट आ जाना चाहिए, मतलब फोरम का हो गया, ब्लॉग का हो गया, कोई ई कॉमर्स का हो गया, वैरायटी चाहिए गूगल को। और एक दूसरा बात, गूगल टॉप पेज पे, फर्स्ट पेज पे ऐसा कोई वेबसाइट को चाहेगा जिधर में उसका भी जो है रेवेन्यू थोड़ा कलेक्ट होगा। अगर टॉप पेज पे आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट रैंक कर रहा है, मिंत्रा रैंक कर रहा है, तो उससे गूगल का डायरेक्ट उतना प्रॉफिट नहीं बनता है जितना ब्लॉग वेबसाइट से बनता है। तो गूगल मस्तली चाहेगा उसके भी जेब में थोड़ा पैसा आएगा। इसके लिए गूगल चाहता है कि कोई ब्लॉग वेबसाइट इसके ऊपर काम करे और रैंक में आए। गूगल जो आपको खुद से ही फैसिलिटी देता है, और आपको इसको समझना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले काम करिए, अगर किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपका जो मतलब ई कॉमर्स का साइट आ रहा है, तो उसको रैंक करना बहुत ईजी है। कुछ आसान स्टेप होगा, प्रोसेस होगा, उसको हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, देखेंगे और इजीली कर पाएंगे विद इन वन मंथ। क्योंकि समय थोड़ा लगता है दोस्त, मैं नहीं कहूँगा कि एक हफ्ता दो हफ्ता के अंदर, लेकिन समय थोड़ा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कीवर्ड जो हम लोग के सामने है, पिगी बैंक अंडर 50 रुपीज़। पहला वेबसाइट आता है इंडिया मार्ट, जो बहुत ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, लेकिन कोई दिक्कत वाला बात नहीं, हम लोग इजीली रैंक कर सकते हैं। उसके नीचे आ रहा है FAQ। और एक बात समझ लीजिए, अगर किसी भी सर्च रिजल्ट में पहले आपको FAQ नज़र आता है, मतलब गूगल के पास इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए गूगल जो FAQ को दिखाता है, आमतौर पर FAQ बीच में आता है, नहीं तो लास्ट में आता है। अगर पहले अगर आपके एक वेबसाइट के बाद आता है, तो इसका मतलब है गूगल के पास जो है अच्छा खासा जो है नहीं है, रैंकिंग नहीं है, पोस्ट नहीं है, कुछ भी कह सकते। तो हम लोग सबसे पहले इसको न्यू टैब में ओपन करेंगे, और नीचे जितना भी FAQ के बाद आता है, फ्लिपकार्ट आता है, इसको भी हम लोग कर देंगे। और न्यू टैब में ओपन करने के बाद आपके सामने सिंपली एक ही प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। हमने क्या लिखा था, पिगी बैंक अंडर 500। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कस्टमर इंटेंसिटी क्या है, उसका जो इंटेंट क्या है। कस्टमर को जो एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर गूगल एक ही प्रोडक्ट को दिखाएगा तो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा। तो गूगल भी चाहता है कि इसके ऊपर जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट 9 to 10 प्रोडक्ट तो आना चाहिए जो 50 रुपीज़ के अंदर होगा। इसलिए श्योरली अगर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो चांस करने का, रैंक करने का चांस बढ़ जाता है। और इधर में एक ही पोस्ट आ रहा है, और हालांकि लंबा नहीं है तो आसानी से कर सकते हैं। और अगर फ्लिपकार्ट में जाते हैं तो पता नहीं क्या पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन वो तो सिंपल बैंक के ऊपर ही कर रहा है, पिगी बैंक के ऊपर। लेकिन पिगी बैंक इधर है नहीं, इधर छोटा सा जो इंडियन टिपिकल जो बैंक होता है, ठीक है, वही दिखा रहा है छोटा छोटा करके। तो
इधर में हम लोग कैसे रैंक करेंगे, अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हालांकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक हो गया रैंक करने के लिए। इसके बाद और एक एडवांस वीडियो आएगा जिधर में हार्ड टॉपिक के ऊपर कैसे रैंक करेंगे उसका वीडियो आएगा, लेकिन पहले हम लोग सिंपल से शुरू करते हैं, उसके बाद हार्ड में जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हार्ड में जाना ठीक नहीं है सेहत के लिए। चलिए अभी क्या करना है, आपको सिंपली ऐसा टॉप 10 कुछ बैंक, मतलब इंडिया मार्ट से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया, नीचे नीचे जितना भी आ रहा है उसको न्यू टैब में ओपन करना है, और उसका एक एक करके जो है, जैसे कि ये हो गया, इसका डिटेल्स आपको दे देना है। इसका लिंक आप लोग अपने ब्लॉग पोस्ट में शेयर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट का भी कर सकते हैं। इसमें आपको वैरायटी ऑफ 10 लिंक देना है, और इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, तो इंटरनल लिंकिंग होगा इधर, इसको करना है। और अगर 10 आप डाइवर्स पिगी बैंक के ऊपर करते हैं तो गूगल इसको श्योरली रैंक करेगा, क्योंकि गूगल को डाइवर्सिटी चाहिए, वेरिएशन चाहिए, तब गूगल को कस्टमर के सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा और गूगल आसानी से आपका पोस्ट को ही दिखाएगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर आप काम करते तो श्योरली आप ये जो प्रोसेस में अभी बताया, हालांकि जो इजी स्टेप है इसके एडवांस आएगा, आप श्योरली रैंक कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात इधर आता है, रैंक आपको किसी भी कीवर्ड पे नहीं करना है, पहले कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट है, उसका CPC कितना आ रहा है, उसका ट्रैफिक कितना आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काम करिएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा और रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बनेगा तो आपका नुकसान होगा। तो पहले कीवर्ड रिसर्च करिए, चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, एक अच्छा सा सिंपल मेथड का इजी स्टेप देख लीजिएगा, और जो है इसके ऊपर काम करिएगा। अच्छा सा कीवर्ड फाइंड करते हुए, इस सिंपल प्रोसेस को यूज़ करते हुए, इसका एडवांस वीडियो आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। सिंपल आपको जो बिगिनिंग में आपको मैं जो अभी बोला, 3-4 वेबसाइट को आपको देखना है और 1-2 उठा लेना है, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कर देना है, और गूगल के नज़र पे एकदम फ्रेश न्यू कंटेंट विथ वेरिएशन मिल जाएगा। गूगल को वेरिएशन चाहिए, ये बात दिमाग में बैठ लीजिए, गूगल को वेरिएशन चाहिए और न्यू प्रोडक्ट चाहिए, ट्रेंडिंग चीज़ चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। यही था, यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जो है विदिन 1 मंथ किसी भी कीवर्ड को आउटरैंक कर सकते हैं, अगर खास तौर पे अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट जो है रैंक करता है। तो यही था आज का वीडियो, में आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया। देखिए गूगल के नज़र पे चीज़ें बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टिप्स से, टिप्स नहीं कहूँगा, चीज़ होता है, थिंग्स होता है, बहुत छोटा छोटा थिंग्स होता है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए और ज़रूरी है, उसको देख लीजिएगा और सिंपली इंप्लीमेंट करिए, और आपका रिजल्ट जरूर से कमेंट बॉक्स में आके बताइए विदिन 1 मंथ क्या होता है हाल। मतलब श्योरली ठीक से इंटरनल एक्सटर्नल लिंक और थोड़ा बहुत बैक लिंक चलेगा, नहीं भी चलेगा कोई बात नहीं, उतना कर लेते तो श्योरली रैंक हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला कोई फ्रेश वीडियो में, और उससे पहले हेल्पिंग बॉय को सब्सक्राइब से भी पहले नीचे जो वीडियो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाउ टू इंक्रीज DAP ऑफ वेबसाइट, डोमेन अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके वेबसाइट के लिए, उसको देखिए समझिए, और नीचे बहुत सारा आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा, आप स्क्रॉल करते जाएगा तो आपको खुद ब खुद जो है मालूम होते जाएगा, क्योंकि ये चैनल के ऊपर ही लिखा है प्रोवाइड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कोई फ्रेश वीडियो में, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका टीम है, कोई दोस्त है जो ब्लॉगिंग करता है, श्योरली शेयर करिए और हेल्पिंग बॉय को आगे ले जाइए, आपका ही चैनल है, थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।